हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द वर्ल्ड सिक। तो वर्ल्ड बीमार हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अ मेगा फायर स्प्रेडिंग नियर द विलेज ऑफ लेफकिमी नियर अलेक्सा द्रोपोली नॉर्दर्न ग्रीस इन जुलाई दिस ईयर। तो ये ग्रीस में जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, और कैसे अब देखिए हम लोग बीमार हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। हीट स्ट्रेस, लंग डैमेज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर स्मोक, द स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज इन टू न्यू रीजन एज टेम्परेचर राइज। तो आपके डिजीज कैरिंग मॉस्किटो जो है न्यू रीजन्स में आ रहे हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। देर आर जस्ट सम वेज पब्लिक हेल्थ हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज बाय क्लाइमेट चेंज। अ फोकस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एट द एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस वेज दे कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम क्लाइमेट ड्रिवन हेल्थ थ्रेट्स विच नाउ थ्रेटन टू अनडू डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस इन पब्लिक हेल्थ। फ्रॉम 2030 एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट दैट माल न्यूट्रिशन, मलेरिया एंड डेंगू, डायरिया एंड हीट स्ट्रेस विल पुश ग्लोबल डेथ टोल्स अप बाय 2,50,000 पर ईयर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखिए, इन सारी चीज़ों के वजह से आपकी मलेरिया, डेंगू, माल न्यूट्रिशन, डायरिया, हीट स्ट्रेस, हमने देख लिया, लंग डैमेज। 2.5 लाख लोग अभी 2030 तक बस इन्हीं कारणों से वर्ल्ड वाइड मरेंगे, WHO का रिपोर्ट है। मॉस्किटोज दैट कैरी वायरसेस इंक्लूडिंग डेंगू, मलेरिया, वेस्ट नाइल एंड जाइका आर शिफ्टिंग इनटू न्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वार्मर टेम्परेचर एंड हेवी रेन क्रिएट मोर हॉस्पिटेबल कंडीशन फॉर डेम टू ब्रीड। रिपोर्टेड डेंगू केसेस हैव ग्रोन फ्रॉम अराउंड हाफ अ मिलियन इन 2000 टू मोर देन 5 मिलियन इन 2019 अकॉर्डिंग टू WHO। तो अब डेंगू केसेस देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो हैविंग एन अनप्रिडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन मलेरिया विद 5 मिलियन मोर केसेस रजिस्टर्ड इन 2022। तो मलेरिया भी आप देखिए बढ़ता जा रहा है। देन द प्रीवियस ईयर WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट फाउंड। तो ये WHO के मलेरिया रिपोर्ट ने बताया है। फ्लड्स इन पाकिस्तान लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल लेड टू 400% इंक्रीज इन मलेरिया केसेस इन द कंट्री। द रिपोर्ट सेड द डिजीज हैज ऑल्सो स्प्रेड इन टू आईलैंड ऑफ अफ्रीका दैट प्रीवियसली हैज बीन टू कोल्ड फॉर मॉस्किटोज। सिमिलरली आफ्टर डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस अगेंस्ट कोलेरा दी एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड्स एंड वाटर्स, केस नंबर्स आर राइजिंग अगेन, इंक्लूडिंग इन कंट्रीज दैट हैड ऑल बट एक्सट्रीपार्टेड द डिजीज। इन 2022, 25% मोर कंट्रीज रिपोर्टेड कोलेरा केसेस ओवर 2021। तो 25% ज़्यादा केसेस हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO, विच नोटेड दैट रोल प्लेड बाय साइक्लोन फ्लड एंड ड्रॉट इन कटिंग ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हेल्पिंग ब्रीड बैक्टीरिया थ्राइव। तो बैक्टीरिया वहाँ पे रह सकते हैं। डायरिया ऑल्सो रिसीव्स अ बूस्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। डायरिया को भी क्लाइमेट चेंज से बूस्ट मिलता है। वाई इंक्रीजिंगली इरेटिक रेनफॉल, इट्स द वर्ल्ड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5, क्लेमिंग द लाइफ ऑफ मोर देन हाफ अ मिलियन किड एवरी ईयर। हीट स्ट्रेस इज हीट स्ट्रेस, ठीक है, डायरिया यहाँ पे हो गया। हीट स्ट्रेस ये क्या है? वर्ल्ड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग चिल्ड्रन अंडर 5। हीट स्ट्रेस इज प्रोजेक्ट टू इम्पैक्ट हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एज टेम्परेचर कंटिन्यूज टू क्लाइम थ्रू द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। विद द वर्ल्ड ऑलरेडी अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द एवरेज प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर, पीपल इन 2022 एक्सपीरियंस अबाउट 86 डेज ऑफ ऑन एवरेज ऑफ डेंजरसली हाई टेम्परेचर, ए रिपोर्ट फ्रॉम दी लैंसेट मेडिकल जर्नल फाउंड। इफ द वर्ल्ड वार्म्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, द रिपोर्ट सेड ईयरली हीट डेथ्स कुड मोर देन क्वाड्रुपल। द हीट हैज ऑल्सो मेड फॉरेस्ट ड्रायर, फ्यूलिंग एक्सट्रीम वाइल्ड फायर दैट हैज स्वीप लाइफस्टाइल्स और इकोसिस्टम। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट अ सेकेंड,
सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज से आपकी सिकनेस कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? मॉस्किटो इनको चाहिए वार्म, और जहाँ पे आपका रेन हो मतलब मॉइस्चर हो मतलब हीट हो, किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए। तो क्या जब 2023 वार्मेस्ट ईयर में जब आ रहा है आपका, पहला कंडीशन टिक और इररेगुलर हाई रेनफॉल, कहीं पे बिल्कुल ड्रॉट है कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, तो सेकंड कंडीशन भी टिक, तो मॉस्किटोज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है 2030 तक माल न्यूट्रिशन मलेरिया डेंगू डायरिया हीट स्ट्रेस से इतने लोग मरेंगे, WHO का रिपोर्ट। मॉस्किटोज जिनसे डेंगू हो मलेरिया हो वेस्ट नाइल जाइका वार्मर टेम्परेचर हैवी रेनफॉल इनको चाहिए, ये हो रहे हैं कंडीशन फुलफिल। ठीक है, डेंगू केसेस जो है वो बढ़ गए हैं, ये एक डेटा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 2000 में डेंगू केसेस थे 500,000, 2019 में डेंगू केसेस है आपके 5 मिलियन। तो आप देखिए कैसे डेंगू केसेस बढ़ गए। ठीक है, ये हो गया इम्पैक्ट मलेरिया पे भी आ रहा है। 2022 में मोर देन 5 मिलियन केसेस हो गए आपके मलेरिया के, मलेरिया के मोर देन 5 मिलियन केसेस 2022 में। पाकिस्तान में 400% इंक्रीज हुआ मलेरिया जब आपका फ्लड आया था। ठीक है, और कोलेरा आप देखिए कंटामिनेटेड फूड से होता है, और ये इन्फेक्शन है आपके इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ये आपका कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो जब फ्लड आएगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो कोलेरा के केसेस भी हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 25% मोर कोलेरा केसेस हुए। डायरिया आप देखिए क्लाइमेट चेंज से इसको भी हुआ है, वर्ल्ड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5। ठीक है, ये यहीं पर है। हीट स्ट्रेस आप देखिए यहाँ पे हीट स्ट्रेस में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोग मरने की बात हो रही है यहाँ पे, और 86 डेज डेंजरसली हाई टेम्परेचर लोगों को फील हुआ है 2022 में। 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होंगे, फॉरेस्ट ड्राई हो रहा है, एक्सट्रीम वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, इकोसिस्टम पूरा स्वेप्ट हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है। तो आप देखिए ये चीज़ें जो हम लोग पूछ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, हमें क्या हमें तो डेवलप होना है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर होना है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वेलबींग, ठीक है, और वेलबींग हो गया पीपल का, लाइफ मैटर्स जैसे हो गए, ठीक है, तो इसके लिए वी नीड टू टैकल क्लाइमेट चेंज कॉज क्लाइमेट चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिकनेस, और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं, और डायरिया, और नीचे में एक डायरिया एक्स्ट्रा आ गया, देखिए डायरिया आ गया और 6th आपका हीट स्ट्रेस आ गया, ये दोनों को भी ऐड करके ऐसा पूरा आंसर बन जाएगा। वाई
वी शुड फाइट क्लाइमेट चेंज। तो ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है जिससे हम लोग आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।